EPFO SSA की एग्ज़ाम डेट क्या रहेगी? बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जो लगातार ये क्वेरी पूछ रहे हैं, तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि अभी तो आपके फॉर्म भरने स्टार्ट है, और जो भी लोग प्रिपरेशन सही में प्रिपरेशन करना चाहते हैं, अभी सही टाइम है, अभी से ही आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो। ऑलरेडी मैंने बताया हुआ है सिलेबस वगैरह, ठीक है, ज़्यादा कुछ नहीं है यहाँ पे। पहले से अगर देखा जाए तो इस बार आपका जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो आपका चेंज हुआ है। पहले आपका फेज़ वन फेज़ टू होता था, अभी फेज़ वन ही आपका होगा। फेज़ वन के हिसाब से मेरिट आपकी बनेगी, तो फेज़ वन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ और मैं बताना चाहूँगा कि एग्ज़ाम डेट से रिलेटेड जो स्टूडेंट ये सोच रहा है कि एग्ज़ाम जो है वो डिले हो सकता है, तो अभी तक का मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है NTA ने जितने भी एग्ज़ाम कराए, चाहे आपका NTA का, मैंने अभी इलाहाबाद हाईकोर्ट RO ARO APS इलाहाबाद हाईकोर्ट के लगभग फॉर्म जितने भी हैं वो सारे NTA कराता है, बाकी अदर एग्ज़ाम्स भी कराते हैं। तो NTA ने अभी तक के जो भी एग्ज़ाम्स हैं वो टाइमली कंडक्ट कराए हैं फेज़ वन के। फेज़ टू में 2 से 2.5 घंटे टाइम लगा, लेकिन फेज़ वन के इन्होंने टाइम से ही कंडक्ट कराए हैं। तो उस हिसाब से अगर आप देखोगे तो इसका जो एग्ज़ाम है वो जून लास्ट तक एक्सपेक्टेड हो सकता है, और इसके जो एडमिट कार्ड है वो लगभग आपके 7 दिन पहले आपका NTA जो है वो अपनी वेबसाइट पर रिलीज करता है। तो जैसे ही आपका एडमिट कार्ड वगैरह आएंगे आपको बता दिया जाएगा। और एग्ज़ाम डेट आप ये मान के चलो कि अगर जून लास्ट है तो आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं, सिर्फ 2 महीने का टाइम बचेगा, और 2 महीने के टाइम में आपको किस तरीके से प्रिपरेशन करना है, क्योंकि सारे जो भी सब्जेक्ट्स वो ऑलरेडी अलग अलग एग्जाम में आपके पूछे आते हैं। तो अच्छे से प्रिपरेशन करो, बाकी EPFO की प्लेलिस्ट को जरूर फॉलो करो, क्योंकि वहां पर मैंने सारे डाउट्स से रिलेटेड वीडियो बना दिए हैं। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑल पे करो, सारी अपडेट टाइम से मिलेंगी। और कोई भी क्वेरी हो तो इंस्टाग्राम पर सरकारी नौकरी वाले बाबा टाइप करके पूछ सकते हो। बाकी आप सभी टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, अगर कुछ भी PDF वगैरह आती है तो वहां पर मैं ऑलरेडी आपको डाल दूंगा। ओके।